Hello everyone, my name is Prasad Basveshwar Zogule. I have cleared MPSC, that is Maharashtra Public Service Commission's examination, with securing state rank 1 and recommended for the post of Deputy Collector. So I am here on Delhi Knowledge Track platform to share my views and experiences with you all guys. So basically मैं पहले ये exam के pattern के बारे में बताता हूँ. ये जो exam है वो 3 stages में लिया जाता है, prelims, mains and interview. प्रीलिम्स में जैसे यूपीएससी का पैटर्न है वैसे जनरल स्टडीज का एक पेपर है और सीसैट का एक पेपर रहता है और इसमें सीसैट के मार्क्स काउंट किए जाते हैं फाइनल मेरिट के लिए. मेंस में यहाँ पे 800 मार्क्स का मेंस रहता है जिसमें जनरल स्टडीज के 4 सब्जेक्ट है, जीएस 1, 2, 3 एंड 4, 150 मार्क्स ईच. एंड 2 जो पेपर है वो मराठी जो यहाँ की स्टेट लैंग्वेज है और इंग्लिश. तो एक है वो 100 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है और एक 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहता है. ऑब्जेक्टिव में एक्सक्लूसिवली ग्रामर पूछा जाता है, 50 मार्क्स ईच मराठी एंड इंग्लिश. और जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का रहता है और ऐसे बेसिकली 900 मार्क्स के जो टोटल है उसमें आपकी रैंकिंग निकाली जाती है. सो आई हैव सिक्योर्ड 588 मार्क्स आउट ऑफ 900. अपना डेली शेड्यूल वो आपके साथ शेयर करता हूँ. मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने और मैंने एक साल जॉब किया था. तो मैंने जॉब छोड़ने के पहले पूरे साल का एक प्लान तैयार किया था कि हाउ शुड आई अप्रोच फॉर दिस एग्जामिनेशन, कौन से एरिया है उस पर फोकस करना चाहिए. और इसे पूरा डिटेल प्लान करके मैंने वो एग्जीक्यूट किया था और दिस वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. तो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि मैं सुबह 7 बजे रीडिंग रूम में जाता था और मॉर्निंग में मेरा फोकस रहता था कि मैं कोर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ऐसे सब्जेक्ट कवर करूं. तो दोपहर तक मैं कोर सब्जेक्ट पे ध्यान देता था. उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग करता था. अभी एमपीएससी एग्जाम में न्यूज़पेपर रीडिंग का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एज कम्पेयर टू यूपीएससी. तो मैं 20 to 30 मिनट्स उसके लिए देता था और जो रिलेवेंट न्यूज है वही पढ़ता था. फिर मैं आफ्टरनून और इवनिंग सेशन में फिर कोर सब्जेक्ट की रीडिंग करता था और शाम को डिनर के बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करता था. क्योंकि क्या है, ये मेंस एग्जाम है वो पूरी तरह से एमसीक्यू डिपेंड है. तो जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतने ज्यादा आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका रिविजन अच्छा होगा और एक लॉजिक डेवलप होना वो भी बहुत जरूरी है, हाउ टू टैकल एमसीक्यूज. तो वो आपको प्रैक्टिस के बाद ही आएगा. तो मेरा डेली में 1.5 आवर एमसीक्यू सॉल्व किया करता था. तो इस प्रकार मेरा शेड्यूल रहता था. अभी रिसोर्सेज की बात करूं तो मैंने शुरुआत है वो एनसीईआरटीज और जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक्स है उसके रीडिंग के साथ किया था. हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस इसके लिए ये बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही ईजी लैंग्वेज में जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं और एक बार अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो उसके बाद आप फॉर एवरी सब्जेक्ट देर इज वन रेफरेंस बुक और आप उसके रेफरेंस बुक पढ़ के आपके वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और आपका नॉलेज भी गेन हो जाएगा. तो मैं अभी जैसे नाम लूँ तो फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है इंग्लिश में और अगर आप मराठी में कर रहे हो तो ग्रोवर करके एक बुक है. ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटी फॉलो किया था. पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत इज अ बेस्ट सोर्स. उसके साथ इकोनॉमिक्स के लिए जो यूपीएससी का है रमेश सिंह वगैरह वो क्या है कि एमपीएससी में उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा एग्जाम का अप्रोच अलग है. तो एमपीएससी के लिए दीप स्तंभ पब्लिकेशन करके एक है, किरण देसले सर, उनका बुक है वो बहुत ही अच्छा है, मैं वो फॉलो किया था मैंने. और बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे अभी एग्रीकल्चर है तो उसके लिए अरुण कात्यायन करके बुक है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स करके एक सब्जेक्ट रहता है तो उसके लिए आईपी सिंह सर का एक बुक है, वो बहुत ही अच्छा है. तो मैंने बेसिकली डिटेल बुक लिस्ट है वो शेयर की है तो स्टूडेंट कैन गो थ्रू इट. और बेसिकली मेरा फोकस था वो जो आपने एनसीईआरटी है और स्टेट बोर्ड है तो उसके थ्रू कंसेप्ट क्लियर करना था. कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है तभी आप एमसीक्यूज है वो टैकल कर सकते हैं. अभी थोड़ी मैं डिटेल में प्रीलिम्स और मेंस की स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ. प्रीलिम्स में कैसा है, यहाँ पे एमपीएससी में जनरल स्टडीज का 200 मार्क्स का पेपर है और सीसैट का 200 मार्क्स का और ये दोनों के भी मार्क्स काउंट किए जाते हैं. तो प्रीलिम्स खास करके क्लियर करने के लिए आपका सीसैट पे कमांड होना बहुत ही जरूरी है.
सीसेट में आई आई टी क्वेश्चन आते हैं फॉर 200 मार्क्स, जिसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पे है, 25 क्वेश्चन है वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पे है, और 5 क्वेश्चन है वो डिसीजन मेकिंग पे रहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पे आपका होल्ड होना बहुत ही जरूरी है एग्जाम क्लियर करने के लिए। और जनरल स्टडीज में जो बेसिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साइंस, ऐसे जनरली पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स पे होल्ड होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। और बाकी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उतने ज़्यादा हम कवर नहीं कर पाते कभी कभी। इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी थोड़ा डायनेमिक रहता है, तो इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को। और उसके साथ साथ साइंस, साइंस में क्या है कि बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो बायोलॉजी के साथ उनका उतना ज़्यादा उनका ज़्यादा रिश्ता नहीं है। तो क्या है कि साइंस भी थोड़ा डायनेमिक रहता है, तो फोकस ये रहना चाहिए कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए और उसमें मार्क्स गेन किया जाए। नाउ आई विल टॉक अबाउट मेंस। मेंस में जनरल स्टडीज 1 में फिर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर का पार्ट है। हिस्ट्री बेसिकली महाराष्ट्र ओरिएंटेड पूछी जाती है, सेम विथ ज्योग्राफी। तो इसके लिए वो आपको रीड करना बहुत ही जरूरी है, महाराष्ट्र और का ज्योग्राफी और हिस्ट्री। इसके साथ एग्रीकल्चर का भी एक पार्ट पूछा जाता है, उसके लिए भी अरुण कात्यायन करके एक स्टैंडर्ड बुक है, वो उसमें से आप कवर हो जाएगा। जनरल स्टडीज 2 में देखें तो कोर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लक्ष्मीकांत से हम कवर कर सकते हैं। उसके साथ कुछ लॉज पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको वो बेयर एक्ट, जो ओरिजिनल एक्ट्स है, वही आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, उसको याद करना होगा थोड़ा। और उसके साथ आप वो भी स्कोरिंग एरिया है, और वो आप अगर आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे तो आपको रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। जनरल स्टडीज 3 है, उसमें ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करके सब्जेक्ट है। बेसिकली उसमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, पॉलिसीज है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसमें क्या है कि मटेरियल थोड़ा एक साथ नहीं मिलता आपको, आपको ढूंढना पड़ता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से इंडिया एयरबुक है, ये उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और जैसे मैंने बुक रेफर किया था आईपी सिंह का, और रंजन कोड़ंबे सर करके एक बुक है भगीरथ पब्लिकेशन का, तो वो ये दो बुक, और उसके साथ आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे वगैरह। ये भी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। और जनरल स्टडीज 4 की बात करूँ तो उसमें मेन इकोनॉमिक्स है। आउट ऑफ 150 मार्क्स, 110 मार्क्स का इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, और 40 मार्क्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करूँ तो स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एनर्जी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसे सब डिवीजन है उसमें। बायोटेक्नोलॉजी करके एक है, तो इसके लिए भी आपको इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। विकीपीडिया पेजेस है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, उनके नोट्स बनाने पड़ेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए जैसे मैंने रेफर किया था किरण देसले सर का बुक, वो एक ही बुक अराउंड 80 to 85% सिलेबस कवर करता है। बाकी जो सिलेबस का पॉइंट्स उनके डेटा के लिए आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने शुरुआत ही मेंस के सिलेबस के साथ की थी, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के मार्क्स ही आपका रैंक डिसाइड करने वाले हैं। तो मैंने प्रीलिम्स के पहले अराउंड 60 to 70% मेंस का सिलेबस कवर किया था, क्योंकि क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो भी टाइम रहता है, तो उसमें पूरा सिलेबस कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो जितना सिलेबस आप पहले ही कवर करेंगे प्रीलिम्स के पहले, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। अगर आप फ्रेशर है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उसका। तो मेरा फोकस हमेशा से ही मेन्स एग्जाम था। प्रीलिम्स के पहले 2 महीने मैंने एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स की तैयारी की थी, उसमें सी सैट और साइंस जैसे जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पूछे जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट पे मैंने फोकस किया था। बाकी तो पूरा मेरा डेडिकेशन मेन्स के एग्जाम की तरफ था। तो इस प्रकार मेरे तैयारी की थी। इंटरव्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स आपका रैंक डिसाइड करते हैं, और ये भी डिसाइड करते हैं कि आप लिस्ट में है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे एमपीएससी में 100 मार्क्स का इंटरव्यू है, बेसिकली एरियाज ऑफ क्वेश्चन जो हम प्रोफाइल सबमिट करते हैं एमपीएससी को, तो उस पे ही रहते हैं आपके हॉबीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
फिर करंट रिलेटेड इश्यूज जो अभी चल रहे हैं, जैसे करंट रिलेटेड टू महाराष्ट्र, जैसे ड्रॉट की प्रॉब्लम है, फार्मर सुसाइड की प्रॉब्लम है, उस तरह से पूछे जाते हैं। और फिर करंट इश्यूज इन फ्रंट ऑफ नेशन, वो भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि अगर आप ऑफिसर है तो आप पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे डील करेंगे, ये भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार जनरली रहता है। और इंटरव्यू की तैयारी में मॉक इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। आप 2-3-4 मॉक दे सकते हैं, जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और एक फ्लुएंटली आप वहाँ पे आंसर्स पैनल के सामने पेश कर सकते हैं। तो मॉक इंटरव्यू का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। उसके साथ मैं जिक्र करूँगा टेस्ट सीरीज का। प्रीलिम्स और मेंस के प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतने ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होगी कि 2 आवर्स में आपको 150 MCQs अटेम्प्ट करने रहते हैं मेंस में, तो उस मैनेजमेंट के लिए भी टेस्ट सीरीज का अहम योगदान है। और क्या है कि जैसे मैंने कहा, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, यहाँ पे आपका लॉजिक बिल्ड होना बहुत ही जरूरी है। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हमने उतने ज्यादा पढ़े नहीं होते उसके बारे में, लेकिन आप इलिमिनेशन करके वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जितने ज्यादा आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका ये लॉजिक डेवलप होगा और इसका फायदा रहेगा। तो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज्वाइन कीजिए आप, और जितने मैक्सिमम पॉसिबल टेस्ट है वो अटेम्प्ट कीजिए। इसका आपको टोटल एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। यहाँ पे एमपीएससी में थोड़ा सिलेबस है वो स्टैटिक है। 2013 के बाद उतने ज्यादा चेंजेस नहीं आए सिलेबस में। अभी इस साल ही थोड़ा अपडेट हुआ है सिलेबस और कुछ नए पार्ट ऐड किए गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोचिंग नेसेसरी नहीं है, मतलब ज्वाइन करना ही चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन आपको प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ही जरूरी है। अभी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके माध्यम से आप गाइडेंस ले सकते हैं। नहीं तो आपके अगर सीनियर से कोई जो पहले सिलेक्ट हुआ है उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उस सब्जेक्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग वगैरह, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन पूरे इंटीग्रेटेड बैच वगैरह लगाने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। जो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली वीक है वो आप ज़रूर कोचिंग ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये मेरा इसके लिए ये अप्रोच था। अभी क्या है कि बहुत से स्टूडेंट हैं यहाँ पे, वो पर्टिकुलरली रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इतना ज़्यादा पता नहीं रहता और वो खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मैं इस एग्जाम में कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पे बेसिकली एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया है आपको। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई रूरल बैकग्राउंड से है या कोई अर्बन बैकग्राउंड से है, कोई रिच है या पुअर है, ऐसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिलेबस है वो ज़्यादातर है वो जनरल स्टडीज का ही रखा गया है, तो उसके कारण सभी को उसमें उतना ही एफर्ट्स लेना पड़ेगा। विदाउट कोचिंग भी आप ये अचीव कर सकते हैं। प्रॉपर रेफरेंस बुक आपको यूज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एमपीएससी के, वो आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। उसके कारण आपको कौन से एरियाज पे कितने क्वेश्चंस आते हैं और पर्टिकुलर पॉइंट को कितना टाइम डिवोट करना चाहिए ये आपको पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। और ये मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल कहूंगा कि आप जितने ज़्यादा हो सके उतने वो रिवाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं तो आपको उसका ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं ये स्टूडेंट्स को रेकमेंड करूँगा। अभी क्या है कि ये प्रोसेस है पूरी, वो 1 साल तक चलती है। और इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटल स्ट्रेस आता है, एक सैचुरेशन स्टेज आ जाती है कि आप कितने बार प्रिपेयर वही वही आपको पढ़ना पड़ता है। तो मेरा रूटीन ऐसे रहता था कि मैं सुबह थोड़ा जॉगिंग के लिए जाता था। मैंने तैयारी पूना में की थी, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे गार्डन थे, तो मैं गार्डन में जॉगिंग के लिए जाता था। थोड़ा मैं योगा प्राणायाम वगैरह वो फॉलो करता था। इसके कारण क्या है कि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों भी अच्छे तरह से बने रहते हैं, और ये होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एग्जाम पे टाइम के अगर आप बीमार पड़ गए तो आपका पूरा जो 1 साल की मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। और इसके साथ में मेंटल प्रेशर जो आपको हैंडल करना है ड्यूरिंग मेंस एग्जाम, ड्यूरिंग इंटरव्यू,
वो भी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे और ये पूरे प्रोसेस में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं हॉबीज फॉलो किया करता था मेरी। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, खासकर डिस्कवरी और हिस्ट्री टीवी जैसे। तो मैं पूरे वीक में एक दो बार डॉक्यूमेंट्रीज देखता था। आप भी अगर आपका कोई हॉबी है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कुछ अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप 100% स्टडी करके थोड़ा फटीग आ जाता है, तो उसके कारण आपको थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी है। अभी एमपीएससी में और पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर देखें तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ रहा है। तो नए स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो इस पूरे प्रोसेस के बारे में उनको पूरी जानकारी नहीं रहती, सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं रहती, कौन से पोस्ट यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी उनके पास जानकारी नहीं रहती। और वैसे ही कोई दोस्त कहता है और कोई रिश्तेदार कहते हैं, इसलिए वो इस फील्ड में आते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आप पूरी तरह से इस एग्जाम प्रोसेस को समझ लीजिए कि कैसा है, किस लेवल का कंपटीशन है यहाँ पे, और पूरे 1-1.5 साल का प्लान तैयार कीजिए आप कि आप किस प्रकार से तैयारी करने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करने वाले हैं, आपके स्ट्रांग और वीक पॉइंट कौन से हैं। तो और कई बार कई सब्जेक्ट फेवरेट रहते हैं तो उसके लिए कम टाइम में भी आप कवर कर सकते हैं, कई सब्जेक्ट डिफिकल्ट रहते हैं। और एमपीएससी के द्वारा कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज दिया गया है ये भी ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से पूरी आप तैयारी कीजिए और 1-1.5 साल का प्लान तैयार कीजिए और वो एग्जीक्यूट कीजिए। कई बार थोड़ा प्लान में गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखना भी बहुत ही जरूरी है, और 100% फोकस्ड और डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है इस एग्जाम में, तभी आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।